एक कॉलेज में जो कुछ बात मैं निवेदन किया था उसको फिर समाप्त करते हुए संक्षिप्त करते हुए क्या मैं कहा है फिर निवेदन करता हूं जाने का पहले। मेरा कहने का अभिप्राय था, बात कह चुका हूं, आराध्य होता है सर्वोत्तम आराध्य भगवान श्री कृष्ण। ही मैं कहा है कहो श्री कृष्ण ही परम आराध्य पद। ओम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का लीला में द्वारका भी श्री कृष्ण है, मथुरा भी श्री कृष्ण है, ब्रजनंदनम श्री कृष्ण, ब्रजनंदनम श्री कृष्ण ही चरम आराध्य पद। जब भी द्वारकाधीश मथुराधीश और ब्रजनंदन अर्थक वृंदावनाधिपति कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, तब भी स्वरूप में तत्व में कोई फर्क नहीं है, परंतु लीला रस में फर्क है। राम नारायण अथवा कृष्ण किंबा विष्णु, विष्णु तत्व में कोई भेद नहीं है, जो भेद मानता है अपराध, भेद नहीं है, भेद नहीं होने से भी तत्व में भेद नहीं है, लीला में भेद। नारायण की लीला राम की लीला एक नहीं है, राम जी की लीला और कृष्ण की लीला एक नहीं है, निशुंग की लीला और कृष्ण की लीला व राम की लीला एक नहीं है, मत्स्य कूर्म वरह इत्यादि की लीला सब एक नहीं है, इसलिए रस भी एक किस्म का नहीं होता, रस में अलग अलग होता है, रस मतलब आनंद, आनंद में फर्क होता है। तत्व एक होने से भी अखिल रसामृत मूर्ति है श्री कृष्ण, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल मतलब तमाम, रस मतलब आनंद, तमाम आनंदामृत की घनीभूत स्वरूप है श्री कृष्ण। उनकी लीला में जितने आनंद है और भगवान की कोई लीला में इस प्रकार आनंद वक्त नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। जब भी हरेक भगवत तत्वमात्र पूर्ण है, हरेक रस अंदर में है, लेकिन हरेक स्थान पर हरेक लीला में हरेक रस प्रकाश नहीं किया, जो लीला में जो रस प्रकाश करते हैं उसका संग करने से वही रस मिलता है। दृष्टांत समझने के लिए, जैसे यहां पर जितना आदमी बैठा है सब एमए पास कर सकता है, सभी एमए पास कर सकता है, हरेक का अंदर में ही एमए पास करने की योग्यता है हर एक अंदर में, लेकिन अव्यक्त रूप से किसी का वही ज्ञान व विद्या प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, हर एक अंदर में ही एमए पास की योग्यता है, वही विद्या की योग्यता है, लेकिन जहां पर वही विद्या प्रकाशित हुआ है, प्रकट हुआ है, प्रकाश किया है, उसको पास जाने से ही माय एमए तक मुझे वही ज्ञान तक मेरा हो सकता है। अभी बच्चा बैठा उसके अंदर भी योग्यता है, उसके बाद जाने से वो क्लास वन भी नहीं पढ़ा है, छोटों से लेता है, उसके बाद जाने से मेरे एनी विद्या होगा ना, मैट्रिक बदली होगा कुछ, जब उसके अंदर में है लेकिन अव्यक्त रूप से है, फिर वही लड़का जब विद्वान बने तब वही ज्ञान जब उसके अंदर में व्यक्त हो जाए तब उनसे मिलेगा। किसी प्रकार भगवत तत्व एक होने से भी लीला में ये फर्क है, लीला में ये फर्क है, इसलिए रस में भी फर्क है, आनंद में फर्क है। अब यही विचार करने से देखेंगे आप कि श्री कृष्ण तत्व में ही तमाम रस व्यक्त हुआ है। रस होता है बारह किस्म का, उसमें मुख्य पांच गौण सात, मुख्य रस क्या है, शांत रस, दास्य रस, सुख रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, जिसको कांत भाव कहते हैं, ये पांच है मुख्य रस। इसके अलावा सात गौण होता है, हास्य हास्य, वीर अद्भुत, रुद्र भयानक, विभत्स आदि, ये जो हास्य अद्भुत वीर करुण भयानक रुद्र विभत्स आदि रस जो है ये है गौण, मुख्य रस नहीं है, मुख्य रस होता है शांत दास्य शुष्क वात्सल्य मधु। अभी यही रसों में
कोई भगवान का स्वरूप में कोई रस प्रकट कर सकते, कोई भगवान में कोई रस प्रकट कर सकते, लेकिन कृष्ण लीला में तमाम रस प्रकट आए। इसलिए कृष्ण लीला का अनुशीलन करने से, अनुध्यान करने से जिसका जो रस इच्छा वही रस उसको मिल सकता है। कृष्ण लीला में तमाम रस की अभिव्यक्ति है, इसलिए मिल सकता है कृष्ण आराधना द्वारा, लेकिन और लीला में यही मिलेगा नहीं। रामलीला में मधुर रस नहीं मिलेगा, वत्सल्य रस भी संकुचित मिलेगा, सुख रस भी संकुचित मिलेगा, लेकिन नारायण लीला में संत रस मिलेगा, दास्य रस मिलेगा, सुख रस भी आधा मिलेगा, संकुचित मिलेगा। वत्सल्य रस तो नारायण लीला में प्रकट नहीं है, मधुर रस प्रकट नहीं है। इसलिए कहते हैं जो लीला में तमाम रस खोल दिया है वही लीला है श्री कृष्ण लीला। इसलिए कृष्ण की आराधना ही सर्वोत्तम आनंद मिलने के लिए सबसे ज्यादा उपाय है। अभी होने से भी जो व्यक्ति राम की सेवन करते और नारायण को निंदा करे वो नरक में जाएगा। कृष्ण की आराधना करते हो राम की अथवा नारायण की अथवा विष्णु की अथवा मत्स्यपुरवादी को निंदा करे जानन में जाएगा, तो भक्ति नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग जिनका तत्वज्ञ नहीं है जो खुशी करता है। दृष्टांत के लिए मैं कहता हूं, एक रोज मैं जा रहा था दिल्ली से, उस वक्त मेरा कंपार्टमेंट में और एक स्वामी जी आया, वो एक आचार्य पुरुष आए और जो था उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी क्या कहूंगा दुख की बात, अयोध्या में अभी एक साधु बना है वो बोले हमारा राम जी की छोटा है, कृष्ण का ही रासलीला होगा, राम जी का रासलीला नहीं होगा, उनका भी रासलीला तो शुरू कर दिया रासलीला करने। वो आचार्य मुझे बताया, मेरा माई तो नाम भूल गया, तो एक प्रधान आचार्य है अयोध्या में, अभी कही कोई शास्त्र में यही बात है राम जी की रासलीला होगा, तब तो राम का जो रस है रामलीला का जो विशेषता है नष्ट हो जाएगा। अभी कृष्ण को जब एक वस्ती प्रतिभा राम का माफी करे तब कृष्ण लीला का वैशिष्ट नष्ट हो जाएगा। ये नहीं समझता, ये लोग दलबाजी करते हैं, मूर्ख तत्व में प्रवेश नहीं है। वो राम जी को रासलीला कराते शास्त्र में है, तीन महाजन के विचार में है, जब रासलीला कराओगे तो राम एक पत्नी पतधर लीला नष्ट हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा लीला नष्ट हो जाता है। बोध नहीं आए, तब का बोध नहीं आए। जलंधर में गया एक मंदिर में मुझे ले गया, लिखा है राधे गोपाल।